बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ वो है बारबेक्यू पास्ता, जो कि इंतहाई मज़े का होता है। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो हैं ये। उसके लिए हमें चाहिए है 1 कप बोनलेस चिकन। आप उसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। उसके साथ हमें चाहिए है कैरेट्स, 1 कप कैरेट्स, हाफ कैप्सिकम और हाफ कप कॉर्न्स। आप इसे टिन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए 1 कप टोमेटो पेस्ट चाहिए। मैंने फ्रेश टोमेटोज़ का पेस्ट बना लिया है। उसके साथ हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून तिक्का बोटी मसाला चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर। उसके साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए है विनेगर, सिरका, और हमें चाहिए है बारबेक्यू सॉस 3 to 4 टेबल स्पून। आप ये किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आप बोनलेस चिकन को आप हाफ कप ऑयल में फ्राई कर लें, इतना कि उसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होते हुए आपने उसके अंदर 2 हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालनी है, टेस्ट के लिए सिर्फ। उसको अच्छे से भून लेना है कि उसका पानी ड्राई होने लगे, तो उसमें हमने अपना टमाटो पेस्ट ऐड कर देना है। अब उसे उसका पानी ड्राई होने तक पकाना है। इस दौरान हमने उसमें अपना सॉल्ट ऐड कर देना है टेस्ट के लिए, ताकि चिकन में भी इसका अच्छे से टेस्ट आ जाए। जब पानी ड्राई होने लगे तो इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर लेना है 1 टीस्पून। इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब हमें इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। आप इसमें अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको 5 मिनट्स मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि सब सब्जियां अच्छे से पक जाएं। अब हमने इसमें अपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है, काली मिर्च ऐड करनी है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम बारबेक्यू मसाला ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून आपने इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। अब हम एंड पे इस पे ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। 1 to 2 मिनट्स तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे, पास्ता बॉईल करने के लिए। जब पानी में बॉईल आने लगे तो आपने उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करना है, 4 to 5 ड्रॉप्स, ताकि पास्ता एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। सिरका ऐड करने से पास्ता एक दूसरे के साथ चिपकता नहीं है और बिल्कुल खिला खिला रहता है। अब इसमें मैं हाफ पैकेट ले रही हूँ ट्विस्टेड एल्बोज़ का। आप इसमें किसी भी शेप का पास्ता ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जब पास्ता बॉयल हो जाए तो इसको आपने मसाले में, जो हमने मिक्सचर बनाया था, उसमें ऐड करके मिक्स कर लेना है।
अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार। अब हम इसे अपनी डिश में निकाल लेंगे और अच्छे से सर्व कर देंगे। ये हमारा पास्ता तैयार।